अकिल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अकिल भाई, बताइए आज की वीडियो में आज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गुड न्यूज़ दे रहे हैं? सर, आपके आज की वीडियो में अपडेट वही है कि सोलर पैनल जो है प्राइसेस मुसलसल कम हो रही हैं, और इसके अलावा जो है सोलर इन्वर्टर्स की हम बात करें तो बहुत बल्क क्वांटिटी में स्टॉक आ गया है। स्पेशली अगर हम बात करें किसी कंपनी के प्राइसेस रिड्यूस हो रहे हैं तो उसमें पहला नाम क्राउन माइक्रो का है, तो उनकी प्राइसेस जो है वो काफी रिड्यूस हो गई है। अच्छा, जबरदस्त जी। और बाकी जो है इन्वरेक्स का भी स्टॉक भरपूर आ गया है, जो शॉर्टेज थी वो खत्म हो गई है और प्राइसेस जो है वो एक नॉर्मल उस पर आ गई है। अच्छा अकिल भाई, ये बताइए सोलर पैनल के हवाले से हमारी वक्त कुछ अच्छी खबरें हैं? सोलर पैनल सर, बिल्कुल सोलर पैनल जो है वो हम इस वक्त हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो जिनको 585 वाट्स बाईफेशियल 35 रुपीस पर वाट सर फ्लैट सेल कर रहे हैं, 35 रुपए पर वाट। और बाकी अगर पी टाइप पैनल्स की बात करें तो 33-34 रुपए पे आ गए हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स। और हमारे पास इस वक्त स्टॉक इन्वरेक्स का अवेलेबल है, वो आपको मिलेगा 38 पर वाट, और एन टाइप बाईफेशियल और इन्वरेक्स जिनको का है एन टाइप बाईफेशियल 35 रुपए पर वाट, 585 वाट्स। काफी रेट नीचे है। जी जी, काफी रेट आ गए और स्टेबल हो गए रेट, फिलहाल जो है मजीद कमी की इसमें गुंजाइश नहीं है और बढ़ने का कोई इम्कान नहीं है। तो वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि सोलर मजीद सस्ते हो तो ले, अब तकरीबन जो है वो हम देख रहे हैं 2-3 हफ्तों से स्टेबल है रेट, मजीद कम नहीं हो रहा है। सही। अच्छा आदिल भाई, अभी लास्ट टाइम आपके पास स्टॉक मार्केट में शॉक हो गया था इन्वरेक्स के हवाले से अगर बात करें तो वो सारा स्टॉक आपके पास मौजूद है? जी, इन्वरेक्स का सारा स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, और इसके अलावा इन्वरेक्स के जो मॉडल शॉर्ट थे खुसूसन वेरॉन 4 किलोवाट काफी टाइम से नहीं अवेलेबल था, वो भी अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बल्क क्वांटिटी में आ गया है। तो आदिल भाई, हमारे व्यूअर्स को आज बताना शुरू कीजिए इन्वरेक्स के हवाले से, पहले फिर बाकी ब्रांड पे आएंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे इन्वरेक्स के सबसे जो है वो कम पावर वाले मॉडल से, इन्वरेक्स का वेरियॉन 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसकी पावर्स कम है लेकिन फीचर इसके बहुत ज्यादा हैं। 2 किलोवाट की इसमें पैनल सपोर्ट है, वाईफाई इसमें बिल्ट इन है, इसके अलावा इसमें आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। इसकी जो खास बात है वो इसकी VDC रेंज है, 30 VDC पे स्टार्ट होता है, यानी एक पैनल पर भी स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, 2 पैनल आप इस पे लगा सकते हैं, 3 तक की गुंजाइश है। 550 वाट वाले हमने इस पे 4 पैनल भी लगाए, दे आर रनिंग स्मूथली, कोई इशू नहीं है। तो आप 550 वाट वाले 4 पैनल भी लगा सकते हैं और 2 पैनल पे जो है ये भागेगा, कोई इशू नहीं है। इसी तरह अगर 2.5 की बात करें, ये इसके रेट दे दीजिए, इसकी प्राइस है सर जी 67,000 रुपीज, इसकी प्राइस 67,000 इसकी प्राइस है। 2.5 की बात करें तो 2.5 किलोवाट जो है ये भी 30 VDC से स्टार्ट होता है, 2 पैनल आप इस पे लगाएं तो ये स्मूथली चलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी अभी पैनल कम लगाना है, एक आदमी हो कहता है जी 2 पैनल लगाना है, 1.2 ले लूं, सही बेहतर है 2.5 ले लें, 2 छोटी बैटरियां लगा लें, एक ट्यूबलर की, जरा आपका कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बाद में आप सिस्टम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 2 पैनल से लेके 6 पैनल तक आप इस पे चला सकते हैं। सही। और इसके प्राइस क्या मिलेगी? इसकी प्राइस है सर जी, करंट प्राइस है 93,000 रुपीज। 93,000 जी। आगे चले तो 4 किलोवाट इन्वरेक्स का सबसे हॉट मॉडल है, इसका हमारे पास जो है वो स्टॉक अभी अवेलेबल है, इसकी प्राइस है सर 1,85,000 रुपए, 1,85,000 इसकी प्राइस है, मार्केट में 190,000 तक का ही सेल होता है। और इन्वेक्स ने अब जो प्रोडक्ट्स निकाली हैं वो सब जो है वोल्टेज रेंज उनकी बहुत अच्छी दी है, इस पर आप 3 पैनल भी लगाएं तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, 3 पैनल पे भी काम करेगा? 3 पैनल पे भी जो है वो ये काम करेगा, बात 4 लगाएं ज्यादा बेहतर है और 8 तक की इसमें गुंजाइश है। सही। इसके अलावा ये होमवेज का वोल्ट 3216 जो है वो अवेलेबल है, 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, 4,800 वाट इसकी पैनल सपोर्ट है, इसकी प्राइस है सर जी 1,15,000 रुपए, 1,15,000 रुपए इसकी प्राइस है। इसी के साथ होमेज का 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये PV 6,000 है, इस वक्त मार्केट में 4 किलोवाट में सबसे ज्यादा पैनल सपोर्ट के साथ अगर इन्वर्टर है जिसमें 2 बैटरियां लगती हैं तो वो होमेज का वोल्ट 4017 है, इसकी प्राइस है सर जी 1,45,000 रुपए, 1,45,000 जी बिल्कुल। वारंटी बताते हैं? वारंटी इसकी सर 2 साल पार्ट्स और 3 साल सर्विस। ठीक है, होमेज का हमारे पास जो है वो स्टॉक अवेलेबल है बिल्कुल आपके लिए। फिर हमारे पास इन्वरेक्स का 5.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, यूकॉन सीरीज है, इन्वरेक्स की बजट सीरीज है जिसमें फीचर जो है कम है, क्वालिटी इसकी बहरहाल अच्छी है, इसकी प्राइस है सर जी 1,77,000 रुपीज, 1,77,000 जी सर। और 48 वोल्ट
5600 वाट इसकी जो है वो पावर है। इस वक्त आपके व्यूअर्स के लिए सर अगस्त में जो है वो आजादी ऑफर 175,000 फ्लैट प्राइस इसकी ऑफर कर रहे हैं, 1,75,000 आजादी ऑफर जी सर, क्या बात है। इसके बाद हमारे पास अवेलेबल है सर नेक्स पावर की सीरीज अवेलेबल है सनट्रॉनिक टीवी 3000 प्रो, 3 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है जिसपे नेट मीटिंग भी आप करवा सकते हैं सिंगल फेज पे, क्योंकि कराची में अलाउ नहीं है, कराची से बाहर इस पे आप नेट मीटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, 1,05,000 रूपए इसकी कीमत है, 1,05,000 जी, 3 किलोवाट का इन्वर्टर मिल रहा है 1,05,000 जी, हाइब्रिड इन्वर्टर है, सिर्फ 3 किलोवाट का नहीं है, 3 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, हाइब्रिड जी सही। इसके बाद ये टीवी 5000 है मैक्स पावर का, 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, इसकी प्राइस है सर जी 145,000 रुपीज। इसमें आप 5000 वाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं, बिल्ट इन वाईफाई है इसमें, और आपके व्यूअर्स के लिए सर कोशिश करेंगे इसमें एट द मोमेंट कुछ डिस्काउंट कर सके। अपने फिलहाल क्या रेट देंगे? फिलहाल 145,000 प्राइस है जो हम आपको प्राइसेस दे रहे हैं, आप लेने आएंगे तो कोशिश करेंगे इसमें कुछ गुंजाइश हो सके। अच्छा अखिल भाई, मैंने ये देखा है मार्केट में इस वक्त और जितने भी मैक्स पावर के इन्वर्टर है इनके प्राइस बहुत अच्छे है। जी सर, मैक्स पावर कंपनी के प्राइसेस बहुत अच्छी है, वारंटी टाइम जो है वो टॉप ब्रांड से कम है। सही जी, इनवर एक्स होमेज की बात करें उनकी 2 ईयर्स पार्ट्स की वारंटी है, फिर दूसरे ब्रांड्स हैं क्राउन वगैरह उनकी 1 साल की वारंटी है, मैक्स पावर 1.5 साल वारंटी देता है विद अ लिमिट 2 टाइम्स इन द पीरियड, वारंटी कम है, प्राइसेस बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, वोल्ट्रॉनिक्स चाइना में कंपनी है जो कि इन्वर्टर के बोर्ड्स बनाती है, तमाम अच्छी कंपनियां पाकिस्तान की वोल्ट्रॉनिक्स के इन्वर्टर ही यूज करती हैं। ठीक है, तो मैक्स पावर भी उन्हीं में से एक है जो कि बहुत अच्छी प्राइस में आपको जो है वो इन्वर्टर ऑफर करता है। अच्छा ये बताइए, अगर इसमें कोई बाद में कोई इशू आता है तो वो क्लेम कहाँ से करेंगे? आपके पास आएंगे सर? किसी भी कंपनी की पॉलिसी ये है कि सेलर सेंटर से आप सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि ये इतनी महंगी प्रोडक्ट्स हैं इनको चेक करने के लिए प्रॉपर लैब चाहिए, तो ना यहाँ चेक हो सकती है दुकान पे ना रिपेयर हो सकती है। हर इन्वरेक्स मैक्स पावर होमेज क्राउन किसी भी कंपनी की आप इन्वर्टर खरीदेंगे कंपनी सर्विस सेंटर जाएगा, बाद इंस्टॉलर को कनेक्शन गलत कर देता है लेकिन 2 साल तक कोई खराबी आए कंपनी जिम्मेदार है। सही, हम आपको ये इन्वर्टर देके भरी और जिम्मा हो जाते हैं। सही कह रहे हैं, ये हम बेचने से पहले इसलिए बताते हैं ताकि जो है आपको इन्फॉर्मेशन पूरी हो, बाद में किसी बात से जो है वो आप पहले सोच समझ के फैसला करें। पूरी इंडस्ट्री यही करती है, ये इन्वर्टर हमने आपको पिन पैक सेल कर दिया, अभी आपका और कंपनी का मसला है। सही, आमतौर से नया इन्वर्टर में फॉल्ट नहीं आता, 100 में से 1 में आ भी जाता है। सही, ठीक है। चाहिए हमारा जो है वो स्पेशल डीबी बॉक्स है, आमतौर से सिस्टम लगे होते हैं घरों में और ब्रेकर्स जो है वो लाइन से लगे हुए होते हैं, एक नए कस्टमर के लिए समझना मुश्किल होता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, तो हमने इसको बहुत आसान कर दिया कस्टमर्स के लिए। डुअल बैटरी है, 4 किलोवाट का आप सिस्टम लगाते हैं तो 2 बैटरियां जो है इसमें नजर आ रही है, जी एक बैटरी कितने वोल्टेज दे रही है, दूसरी बैटरी कितने वोल्टेज दे रही है। ठीक है, जैसे ही किसी बैटरी में मसला होगा फौरन पकड़ लिया जाएगा कि के इलेक्ट्रिक का वोल्टेज मीटर है कितने वोल्टेज आ रहे हैं और आ भी रहे हैं, ग्रीन लाइट जलेगी इसका मतलब के इलेक्ट्रिक आ रही है। ये बैटरी सप्लाई है कि जी इन्वर्टर से बैटरी को ये सप्लाई दे रहा है, फिर ये जो है के इलेक्ट्रिक की सप्लाई है, इन्वर्टर को के इलेक्ट्रिक मिल रहा है इससे, ये सोलर की सप्लाई है, ये के इलेक्ट्रिक का वोल्ट मीटर है प्रोडक्शन डिवाइस, ये इन्वर्टर का हमने आउटपुट ऑन कर दिया कि हमारा जो है वो सिस्टम घर पर सप्लाई चली जाए। अब के इलेक्ट्रिक बंद करके आप चेक करना चाहेंगे जी मैं के इलेक्ट्रिक के बगैर मेरा सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा, बैटरी बैकअप कितना है, सोलर भी बंद कर दिया तो अब सारा बैटरी पे आ गया कि लोड बैटरी पे आ रहा है, इन्वर्टर से घर में जा रहा है। ठीक तो है, बहुत सहूलत हो जाती है इस डीवी बॉक्स के जरिए, सोलर लगाना आपके लिए सहूलत का बाइस बने, अजियत का बाइस ना बने, ये चीज सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। हमारे पीछे IP65 की सीरीज अवेलेबल है, ये मैक्स पावर की वोल्टास सीरीज है 2024 की, 6 किलोवाट का पाकिस्तान का सबसे बड़े साइज का अगर कोई इन्वर्टर है तो वो मैक्स पावर का है। 5 साल की इसकी वारंटी है, 3,45,000 रुपए इसकी कीमत है 6 किलोवाट की, 8 किलोवाट की कीमत है 4,45,000 रुपए। अगले ऊपर वाला कितने किलोवाट का है सर? ये वाला 6 किलोवाट का है, ये 8 किलोवाट सेम साइज है, सेम साइज है। एक बार प्राइस कोट कर दीजिए प्लीज सर। 345,000 6 किलोवाट की, 445,000 8 किलोवाट। ठीक हो गया। तो इसके साथ हमारे पास नाइट्रॉक्स ऑन ग्रिड सीरीज भी अवेलेबल है, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 10 किलोवाट की प्राइस है प्रोमोशनल 267,500। ये लीस्ट एवर प्राइस है इसकी, ये 3.5 लाख रुपए तक सेल हो रहा था, पिछले टाइम में कंपनी की प्राइस ज्यादा हुआ करती थी, अब कंपनी ने प्राइसेस रिड्यूस की है, स्टिल ये शॉर्ट था, तकरीबन 6 महीने के बाद कंपनी ने 2024 में बल्क में लॉन्च किया है। 267,500 इसकी प्राइस है, 10 साल इसकी वारंटी है, 10 साल वारंटी। 15 किलोवाट की प्राइस है 345,000 रुपीज।
3,45,000 तमाम कंपनी में सबसे ज्यादा है। ऑन ग्रिड की 10 साल वारंटी है जिसमें 5 साल रिप्लेसमेंट, 5 साल में कोई खराबी हो कंपनी इन्वर्टर तब्दील भी कर देगी, 5 साल के बाद रिपेयर होगा। जी तो अब हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इनवरेक्स के वेरियन 2 4 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की, जो कि आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। ये 4 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है जी। और इसकी खास बात ये है कि ये डुअल बैटरी पे सबसे हैवी इन्वर्टर है। अच्छा, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े से बड़ा सिस्टम लगाए और बैटरियां कम लगे, तो 2 बैटरीज के साथ 3 किलोवाट का भी जो सिस्टम आता है, 2.5 किलोवाट पे भी 2 बैटरियां लगती हैं, तो 4 किलोवाट पे ये इन्वर्टर है और बैटरियां 2 ही लगती हैं। इससे ऊपर हम जाते हैं 5 किलोवाट पे तो 4 बैटरियां लगती हैं जिसमें इजाफी खर्चा आता है। सही। तो 4 किलोवाट का सिस्टम है, एक हमारे जो स्टैंडर्ड घर होता है जिसमें एक एसी, एक फ्रिज, पंखे, लाइटें और मोटर और इस्त्री जो है आप एसी बंद करके चला सकते हैं, एक हैवी लोड की चीज। सही। तो उसके लिए ये आइडियल इन्वर्टर है हमारे एक स्टैंडर्ड घर के लिए और सबसे ज्यादा ऑन डिमांड इन्वर्टर है करंटली। बिल्कुल जी, 4 किलोवाट के इन्वर्टर 2024 में हर कंपनी ने लॉन्च किए हैं, क्योंकि जो है वो बैटरीज की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और लोगों की ये डिमांड थी। तो इनवरेक्स का 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, आज हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कि इसकी जो है वो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके क्या फीचर्स हैं और ये कैसा दिखता है। तो इनवरेक्स का ये हमने इन्वर्टर जो है वो खोला है आपके सामने, बॉक्स ही इसका वारंटी कार्ड है, 5 साल की इसकी कंपनी वारंटी है, जिसमें 2 साल पार्ट्स वारंटी है, 3 साल सर्विस वारंटी है। 2 साल के अंदर कोई भी चीज खराब होगी कंपनी जो है वो विदाउट एनी कॉस्ट आपको सही करके देगी। यहाँ जो है डीलर स्टैम्प, हम ऑथराइज डीलर हैं, हमारी स्टैम्प पे जो है वारंटी क्लेम आपको इजीली कंपनी से मिल जाएगा। इन्वर्टर के ऊपर जो स्टिकर होता है उस पर भी वही सीरियल नंबर होता है, तो ये भी देख लेना चाहिए एहतियातन, ताकि जो है जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो जेन्युइन पिन पैक है, ऐसा नहीं कि किसी और इन्वर्टर का वारंटी कार्ड मिस्टेकनली उसमें आ गया हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हर प्रोडक्ट का सीरियल नंबर डिफरेंट है, हर मॉडल का और हर पीस का। अच्छा, डिफरेंट होता है। जी हाँ, वेरियन 4 आप जितने निकालेंगे हर प्रोडक्ट का अलग से रिकॉर्ड होता है इनवरेक्स कंपनी में। आप एक दफा वारंटी क्लेम के लिए कोई चीज कंपनी ले जाते हैं तो उनके पास उसका परमानेंट रिकॉर्ड आ जाता है। अच्छा, 4 किलोवाट का ये इन्वर्टर है इनवरेक्स सोलर एनर्जी का, इसके माथे पे इनवरेक्स लिखा हुआ है, तो इसकी कीमत जो है वो कई मल्टीप्लाई हो जाती है। इसकी वजह है कि इनवरेक्स का नाम जो है वो क्वालिटी की पहचान है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो है आफ्टर सेल्स इनवरेक्स कंपनी की अनमैचेबल है। सही। तो बात करेंगे इसके कनेक्शंस की। सबसे पहले इसमें BMS यानी लिथियम बैटरी आप लगा सकते हैं, उसके अलावा वाईफाई इसमें मौजूद है, मोबाइल पे आप देख सकते हैं इन्वर्टर क्या जनरेशन कर रहा है, साइड पे इसके डस्ट फिल्टर दिए हुए हैं जैसे कि IP21 इन्वर्टर है, आप इसको टूथब्रश से बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। अभी भी कितने दिन में, कम से कम 15 दिन में, 15 दिन 1 महीने में साफ कर रहे हैं लोग, 6-6 महीने नहीं करते कोई, बहरहाल 1 महीने बाद कर लेना चाहिए। ठीक है। ये इसकी सोलर इनपुट है कि आप यहाँ पैनल कनेक्ट करेंगे, MC4 कनेक्टर दिया हुआ है, इसके साथ जो है ये यहाँ पे K-Electric की इन और आउट होगी। सही। और बाकी बैटरी जो है यहाँ पे कनेक्ट होगी, यहाँ मेंशन है बैटरी। बिल्कुल। तो ये सब 3 चीजें बेसिकली इन्वर्टर में लगती है, पैनल, बैटरी और K-Electric। उसके जो ये मैनेज करके चलाता है, ये इसका छोटू सा डिस्प्ले है जिसपे आपको है वो सारी इसकी रीडिंग्स मालूम होगी। तो इसके साइड पे ये सीरियल नंबर है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि यही सीरियल नंबर वारंटी कार्ड पे और बॉक्स पे भी होता है। जी जी। कंपनी जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड रखती है हर प्रोडक्ट का कि किस डीलर को कंपनी ने सेल किया, आगे किस कस्टमर को सेल हुआ और वारंटी क्लेम कब और कहाँ आया। आप एक कन्वर्टर कंपनी से रिपेयर करवाएं, 6 महीने बाद कंपनी जाएंगे तो वो आपको पूरा डाटा निकाल के दे देंगे। इसमें एक और आपके लिए हिंट है, आप किसी से यूज इन्वर्टर खरीदना चाहें तो पहले उसे कंपनी सर्विस सेंटर ले जाएं, उनसे मालूम कर लें कि जी ये पहले सर्विस में क्लेम हुआ है नहीं हुआ, तो वो आपको बता देंगे। सही। इसके आफ्टर सेल्स सर्विस के बारे में बता दीजिए। सर 5 साल वारंटी है, 2 साल पार्ट्स, 3 साल सर्विस। ठीक है। अभी ये बताइए कि अभी इसकी जो डिमांड आ रही है मार्केट में बहुत ज्यादा आ रही है। जी सर। तो इसकी क्या बेसिक वजह क्या है? सर इसकी वजह ये कि आइटम बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में कंपनी से आया है और डिमांड बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से जो है प्राइस बढ़ी रहती है। इसकी प्राइस मार्केट में 190 से लेके 195 तक है। अच्छा। वी आर सेलिंग इट फॉर 185,000। ये थी सर आज की वीडियो जिसमें हमने कोशिश की इन्वर्टर्स के हवाले से आपके व्यूअर्स को आगाह करें और पैनल की भी अपडेट दी कि आप प्राइस गिर गिर के एक स्टेबल पोजिशन में आ गई है और ये अच्छा मौका है कि आप, वैसे तो अच्छा मौका हम 3 महीने से कह रहे हैं। बिल्कुल। और कई बार कह चुके हैं कि जी जिस वक्त प्राइस 50 रुपए सोलर की थी, बिजली का यूनिट बहुत महंगा है। सही कह रहे हैं। अच्छा, और इसकी
एक साहब ने इतराज भी किया कि जी आप तो दुकानदार हैं, आप तो कहेंगे 50 में भी खरीदो 55 में भी खरीदो। तो हमारा जो उस वक्त भी कम स्टेटमेंट था कि जी बिजली इतनी महंगी है कि 50 रुपए में भी सोलर वाला है, और अब तो सोलर मजीद 35 रुपए पे आ गया, काफी नीचे आ गया। और अभी भी हम यही दे रहे हैं स्टेटमेंट कि 35 रुपए पर वाट पे आपने सिस्टम लगाया अगर, और एक महीने के बाद सोलर की प्राइस 34 रुपए हो गई या 33 रुपए हो गई, तो 6 किलोवाट के सिस्टम में 2 रुपए से आपके बचेंगे 12,000 रुपए, और 6 किलोवाट का सिस्टम आपके 25,000 रुपए बिजली के बचा चुका होगा। सही कह रहे हैं। तो सोलर पैनल के फर्क से आपको जो डिफरेंस मिलेगा उससे ज्यादा की आप बिजली सेव कर चुके होंगे, तो 1-2 रुपए को ना देखें सिस्टम को। अगर सोलर लगाने का इरादा है तो बहुत अच्छी प्राइसेस है इन्वर्टर पैनल बैटरी, इस वक्त कोई चीज शॉर्टेज में नहीं। जब कोई चीज शॉर्ट होती है उसकी प्राइस बढ़ी हुई होती है आर्टिफिशियली, इस वक्त हर चीज की बल्क सप्लाई अवेलेबल है। अगर सोलर लगाना चाहते हैं तो अच्छे मौके का इंतजार कर रहे हैं, पैसे मौजूद हैं। बंदा कहते हैं ना जी सर्दियों में प्राइस गिर जाएगी, जी इस वक्त सर्दियों जैसा ही माहौल है बिल्कुल, क्योंकि हर कंपनी का बल्क में स्टॉक आ गया। और ये हम एक महीने से महीना डेढ़ महीने पहले हमने वीडियो में कहा था जिस तरह सोलर पैनल की एक्सेस सप्लाई होगी इन्वर्टर्स की भी ऐसे ही सप्लाई होगी। इस वक्त जाहिर सी बात है बारिश का भी मौसम है, तो जो फौरी फौरी जो होते हैं ना जो गर्मी के सताए हुए होते हैं वो सोलर नहीं लगवा रहे, इस वक्त बिलों के सताए हुए सोलर लगवा रहे। सही कह रहे हैं। अगर आपका सोलर लगवाने का इरादा है और अच्छे मौके के इंतजार में है जिसमें प्राइसेस स्टेबल हो, तो ये वो मौका है। मार्केट रिसर्च करें, हमारी बातों को कंफर्म करें, उसके बाद सोलर खरीद। सही। अच्छा लास्ट में आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए और यहाँ का एड्रेस। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 0337 INVEREX 0337 4683739। हमारा एड्रेस है मेन शहीद मिल्लत रोड बहादराबाद कराची, तारिक रोड अंडर पास के ऊपर, दुबई इस्लामिक बेल्ट शहीद मिल्लत रोड के बराबर जो है हमारी दुकान है, चार मीनार चौरंगे से अगला चौक है जहाँ पे हमारा आउटलेट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकिल भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू।